छतरपुर पुलिस द्वारा जिले में आतंक का पर्याय बन चुके 30,000 रुपए के नामी बदमाश कल्लू पटेल को आज गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि ये बदमाश दोहरे हत्याकांड और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में 8 साल से फरार चल रहा था। फरारी के दौरान ये गुजरात में हुलिया बदलकर नौकरी कर रहा था। साइबर टीम की मदद से आरोपी बदमाश की जानकारी गौरीहार पुलिस को लगी तो वह वेश बदलकर गुजरात गई और आरोपी को पकड़कर छतरपुर लाई। आरोपी बदमाश के ऊपर 8 गंभीर अपराध गौरीहार थाने में दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, डकैती, वसूली, मारपीट जैसे अपराध दर्ज हैं। आरोपी के पास से पुलिस ने एक बंदूक भी जब्त की है। आरोपी बदमाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं इस बदमाश का खौफ झेल चुके ग्रामीण भी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और इसके खौफ के बारे में बताया। ये थाना गौरीहार क्षेत्र और आसपास के इलाकों का एक दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर 30,000 रुपये का इनाम था, इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए हमारी जो टीम बनी हुई थी जिसमें एडिशनल एसपी, एसडीओपी, टीआई गौरीहार, चौकी प्रभारी पहरा, थाना प्रभारी गुलगंज और थाना साइबर सेल प्रभारी थे और उनके साथ अन्य हमारे प्रधान आरक्षक आरक्षक थे, इस टीम ने बहुत मेहनत की है और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे और दूसरे प्रदेशों के विभिन्न स्थानों में लगातार जाके इसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। फाइनली इसकी गुजरात में होने की सूचना मिली तो हमारी टीम वहाँ लगातार डेरा डाल के और इंडस्ट्रियल एरिया जो दादरा और वापी के आसपास है वहाँ पे इसको ढूंढा गया और वहाँ से इसको ट्रेस किया गया। ये एक साधारण नागरिक बनके एक धागा बनाने की फैक्ट्री में ये कार्य कर रहा था 14,000 रुपये महीने में और वहाँ ये अपनी फरारी काट रहा था। इसको हिरासत में लेके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसने 2015 में एक जघन्य अपराध घटित किया था जिसमें 2 लोगों की इसने हत्या की थी और एक उसमें घायल हुआ था और फरारी में ही इसने 3-4 अन्य अपराध घटित किए थे जिसमें एक डकैती और अटेम्प्ट टू मर्डर 307 भारतीय दंड विधान के तहत भी 2 अपराध इस पर पंजीबद्ध हैं। कुल मिला के 30,000 के इस इनामी बदमाश के पकड़े जाने से क्षेत्र में वहाँ पे एक शांति का माहौल बनेगा क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इसके नाम से कई लोग वहाँ अपनी गुंडागर्दी चला रहे थे और ये 30,000 रुपये का जो इनाम आईजी सर सागर जोन ने घोषित किया है वो जो टीम हमारी जिसने फील्ड में जाके इसको पकड़ा है उसको ये इनाम दिया जाएगा। सर कितने केसेस पर रजिस्टर्ड हैं? अभी जो जानकारी निकाली है करीब 8 केसेस के ऊपर हैं परंतु सभी जघन्य हैं जिसमें कि डकैती है 307 हैं, इसके अलावा एक मर्डर है और अन्य अपराध हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 8 सालों से फरार चल रहा था 2015 से और इसको अब पकड़ा गया। पुलिस को कैसे कामयाबी लगी, कैसे ट्रेस की गई कि ये गुजरात में है और किस तरह के ये इसमें जो हमारी टीम लगी हुई थी ये इसने जिसको हम बोलते हैं कि ग्राउंड पुलिसिंग मुखबिरी की तो ये बीच में जैसे इससे अभी पूछताछ की गई है साल में 6 महीने में एकाध बार कभी आया भी है तो धीरे धीरे पता करके पता चला कि ये कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ये पता चला कि सरगुजा में है तो हमारी टीम वहाँ भी गई थी। फिर ये पता चला कि ये अहमदाबाद में है तो हमारी टीम वहाँ गई और कुछ साइबर सेल से मदद ली गई, कुछ इसके जो मित्र हैं उनको हमने रडार पे रखा और कुल मिला के ये एक बड़ी लंबी टीडीएस जिसको मैं बोलूँगा बड़ी मेहनत की 1 महीने से जो इन्होंने की थी उसके कारण इसको गुजरात से ट्रेस किया गया। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर जहां आप लोगों को मिलेगा आपके सभी हेयर प्रॉब्लम्स का सलूशन, प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फिलर बोटेक्स, फेस लिफ्टिंग सर्जरी के द्वारा बिना सर्जरी के भी आपके चेहरे पर किसी प्रकार का निशान हो इसको हटाएं लेजर से या फिर बिना लेजर ट्रीटमेंट के, डेंटल से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अमित अग्रवाल, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नितेश दलमेट, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर पूजा, एम एन डेंटोमैक्स, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, मोहाली रोड, मथुरा।